subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में जानेंगे अलसी के नुकसान के बारे में, यानी कि किन किन स्थितियों में आपको अलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो अलसी कमाल की औषधि है, इसके बहुत सारे फायदे हमने आपको इसी चैनल के माध्यम से बताए हुए हैं कि किन किन लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी को दूर करने के लिए और कितनी मात्रा में कैसे उपयोग करना चाहिए। लेकिन कुछ एक स्थिति ऐसी भी होती है जब अलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो आज इसी बारे में जानेंगे कि अलसी का उपयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जी हाँ, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को अलसी के बीज या फिर अलसी के तेल की खुराक लेने से बचना चाहिए। रक्त को पतला करने वाली अगर आप दवाई का सेवन कर रहे हैं तो उन लोगों को इसका सेवन अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि यह रक्त स्त्राव के खतरे को बढ़ा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर, उच्च ट्राइग्लिसराइड्स, हाइपोथायराइडिज्म और हार्मोन के प्रति संवेदनशील स्थितियों से पीड़ित लोगों को भी अलसी के बीजों का सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए। मधुमेह दवा के साथ साथ अलसी के बीज का प्रयोग करते समय ब्लड शुगर के स्तर की जाँच करते रहना चाहिए, क्योंकि अलसी के बीज में उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है। स्वस्थ रहने के लिए अलसी का सेवन करते समय पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए, इसलिए अन्यथा यह आंत और पैरों पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा अलसी के बीज का अधिक मात्रा में सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर आप सेवन करेंगे तो आंतों में रुकावट पैदा हो सकती है। अलसी का अधिक मात्रा में सेवन एलर्जिक रिएक्शन का कारण भी बन सकता है, इसीलिए कभी भी ज्यादा मात्रा में इसका सेवन न करें। अत्यधिक फाइबर का सेवन दस्त या पोषक तत्व को न पचा पाने का भी कारण बन सकता है, इसीलिए अलसी का उपयोग काफी गुणकारी है, काफी फायदेमंद औषधि है। इस बारे में पूर्णतः जानना चाहते हैं तो आप एक एपिसोड पड़ा है इस चैनल पर जो कि लगभग 15 मिनट का एपिसोड है आसपास का, आप उसे जरूर देखें। हम आप सभी के लिए रिकमेंड करेंगे क्योंकि उसमें आपको कमाल की जानकारी मिलेगी। अलसी को किन किन बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप मधुमेह में उपयोग करेंगे, कैसे हार्ट अटैक से बचने के लिए उपयोग करेंगे, इसके अलावा बहुत बीमारियां जैसे कि कब्ज की समस्या में कैसे इसको उपयोग करेंगे, आप पूर्णतः जान सकते हैं अलसी के फायदे अगर आप चाहते हैं तो। 15 मिनट का वीडियो है लेकिन आपके पूरे जीवन काम आएगा, तो हम रिकमेंड करेंगे कि वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपको एक कमाल की जानकारी मिलेगी जो आपको और आपकी फैमिली को स्वस्थ रखने में मदद करेगी। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल है तो। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।